आप ये पेंटिंग देख के सोच रहे होंगे कि ये मैंने बनाई है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे 10 घंटे लगे हैं, और एक ऐसी पेंटिंग को देख के आपको लग रहा होगा कि मैं शायद आर्टिस्ट हूँ, बट मैं प्रोफेशनली एक शूटर हूँ। तो एक पेंटिंग पे 10 घंटे लगाने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, इन द जोन रहना, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना। तो वो शूटिंग के लिए सबसे ज़रूरी है। मैं अंजुम मौडगिल हूँ, मैं 23 साल की हूँ, और मैंने पिछले 9 सालों में इंडिया के लिए 20 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। मैं जब 15 साल की थी, तब मेरी मम्मी ने, जो खुद एक शूटिंग का शौक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे मेरे खिलौने से मिलवाया, जो एक डॉल नहीं थी बट एक राइफ़ल थी। तो उन 9 सालों से मेरा एक प्ले हाउस, एक शूटिंग रेंज रही है। सो आप सब जानने की कोशिश, इच्छा कर रहे होंगे कि मैंने शूटिंग से क्या सीखा है। जब एक इंसान अपने हाथ में राइफ़ल लेता है, किसी को मारने के लिए नहीं मगर खेलने के लिए, तब वो क्या क्या सीखता है। पहली चीज़ मैंने शूटिंग से ये सीखी है कि हमें अपने बॉडी के बारे में इतना अच्छे से जानना चाहिए, इतने अच्छे से पता होता है कि बॉडी को कंट्रोल करने के लिए बॉडी की ताकत क्या है, बॉडी की कमज़ोरी क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है। वो क्योंकि जब आपको टारगेट पे स्टीक निशाना लगाना है, उसके सामने सीधा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ शूटिंग से मैंने ये सीखी है कि जब हमारे मेंटल थॉट्स आते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि थॉट सबको आते हैं, अभी बैठे बैठे आपको बहुत थॉट्स आ रहे होंगे, बट थॉट्स आ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप थॉट्स पे रिएक्शन कैसे देते हो, दैट मैटर्स। सो थॉट्स को कभी भी अपने काम में हिंड्रेंस ना आने दो। फिज़िकल हो गया, मेंटल हो गया, नाउ हमें अपना इमोशनल कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस आते रहेंगे, बट देन जब इमोशंस आते हैं तो उससे हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है, और हम शूटिंग में जब राइफ़ल लेके खड़े हैं, हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो हमारे जैसे इमोशंस आते हैं तो हमारी दिल की धड़कन बढ़ती है, और जब वो एक बंदूक की गोली 2000 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाएगी, तो वो एक दिल की तेज़ धड़कन भी उससे अपने निशाने से चूक सकती है। इसलिए हम इमोशंस को एकदम कंट्रोल में करना सीख सकते हैं। मैंने शूटिंग से काफ़ी कुछ सीखा है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने शूटिंग से सीखी है वो ये है कि हम पूरी ज़िंदगी गोलियां चलाते रहते हैं अपने निशाने की तरफ। हम सब अपने ज़िंदगी में कोशिश करते रहते हैं कुछ पाने की, पर फेलियर्स काफ़ी आते हैं। तो फेलियर्स सबके रास्ते में आते हैं, बट उन फेलियर्स से ना डर के, फेलियर्स से आगे बढ़ने के लिए एक ही रास्ता बचता है कि आप अपने टारगेट पर ध्यान रखिए और गोली चलाते रहिए। एक ना एक दिन आप देखेंगे कि आज मेरा निशाना इतना साफ कैसे। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।